अस्सलाम वालेकुम। ये टोयोटा की प्राडो है 4KM 2400। इसमें जो मसला है, जब एक्सीलेटर नहीं तो गाड़ी मिसिंग करती है और रेस भी करती है, चलती गाड़ी नॉकिंग भी करती है, मिसिंग आ रही गाड़ी ना। सबसे पहले जो मसला इसका आ रहा है, जो इसका पाइप है, आप देख सकते हैं पाइप इसका फट चुका है और पाइप इसका ख़राब है, पाइप रिपेयर हुआ हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका पाइप जो है वो सेट करेंगे और उसको फिट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये मसला इसका ठीक होता है कि नहीं। इसके साथ अगर इसका मसला हल हो जाए तो ठीक है, हल ना हो तो फिर हम इसका चेक करेंगे और क्या मसला है। तो पाइप हमने दोबारा इसका फिट कर दिया, पाइप सेट करके क्लिप लगा कर टाइट कर दिया। तो अभी हम इसको एक्सीलेटर देते हैं। तो गाड़ी रेस ठीक ले रही है लेकिन हल्की सी मिसिंग अभी भी इसमें बाकी है, तो वो चेक करते हैं मिसिंग क्या है और किस चीज़ की मिसिंग है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्राडो का एयर फ्लो सेंसर चेंज करेंगे। जैसे हम देखें गाड़ी मिसिंग कर रही थी, तो ये इसका एयर फ्लो सेंसर है, ये ग्रिप है, आप इजीली आराम से उसे रिमूव कर सकते हैं। दो पेच लगी होती है इसके, तो आप स्क्रू ड्राइवर के जरिए इसको आराम सुकून से खोल लें। सर रिमूव हो गया और ये न्यू सेंसर है। जिस तरह आपने देखा पहले इंजन के अंदर मिसिंग थी, तो जो उसका एयर क्लीनर साउंड बॉक्स का पाइप था वो पाइप फट चुका था, तो हमने पाइप सेट करके दोबारा फिट किया। उसके साथ थोड़ी मिसिंग कम हुई लेकिन मिसिंग ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद हमने जो उसका एयर फ्लो सेंसर चेक किया वो ख़राब हो चुका था, पाइप के फटने की वजह से मिट्टी जा गया, तो वो साफ़ किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसको रिप्लेस किया तो गाड़ी बिल्कुल ठीक होगी। तो अगर गाड़ी का एयर क्लीनर का या साउंड बॉक्स का पाइप जो होता है वो फटा हो तो गाड़ी मिसिंग भी करती हैं। बाज़ गाड़ियाँ स्टार्ट भी नहीं करती क्योंकि एयर फ्लो सेंसर वो सेंस नहीं करता और स्टार्ट नहीं होती। तो अगर आपकी गाड़ी का एयर क्लीनर का पाइप फटा हुआ है तो आप खोल के सेट करें या रिप्लेस करें। क्या अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।